उधर उन्नाव से आज एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जब बिहार से दिल्ली आ रही बस हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। हाईवे पर दौड़ी मौत की बस, ओवरटेक की कोशिश में बहुत बड़ा हादसा। सुबह सुबह जब लोग नींद के आगोश में थे तो उन्नाव के हाईवे पर कुछ लोगों के लिए काल दौड़ रहा था। बिहार के शिवहर से एक डबल डेकर बस दिल्ली की तरफ आ रही थी। सुबह का वक्त था तो बस में यात्री भी गहरी नींद में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को क्या पता था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकले हैं। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। हादसे के पीछे ओवरटेक को वजह माना जा रहा है। डबल डेकर बस तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, उसके आगे एक दूध का टैंकर भी चल रहा था। बस के ड्राइवर ने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ड्राइवर को झपकी भी आ रही थी। कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बस की कंटेनर के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस के तो परखच्चे ही उड़ गए, टैंकर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि टक्कर लगते ही बस पलटी खाई, टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई। सुबह करीब 5:15 बजे ये हादसा हुआ। मौके पर चीख पुकार मच गई, कई लोगों की आवाज तो शोर के साथ ही दब गई। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपाने वाली हैं। इसके बाद तो हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल था, कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं कुछ यात्रियों को तुरंत मदद की जरूरत थी। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, सामने जो मंजर देखा उससे सभी लोग सिहर गए। लाशों का अंबार लगा था, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई, कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में 14 पुरुष 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मृतकों में ज्यादातर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों में से 5 लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एकदम से आवाज आई, उसके बाद में देखे तो पूरे आगे के हिस्से पूरे खत्म थे। धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतरे और साथ में थे जो बच्चे सब थे उनको एक एक करके ऊपर से निकालते गए। हम एक आदमी अंदर बाद में जाकर फिर निकालते गए। कितना दर्दनाक हादसा लगा, बहुत। उस हम लोग का तो होश हवास नहीं थे, क्या समझ में, दिमागे नहीं काम कर रहा था, क्या है नहीं। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। पीएम ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीएम का पोस्ट भी सामने आया है, इसमें लिखा है, उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है, इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा शोक जताया है, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है, घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि बस के कागजों में मिला पता फर्जी निकला है। बस महोबा के एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि दिल्ली से इस बस का संचालन हो रहा था। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसका नतीजा ये हुआ कि कई घरों ने अपने सदस्यों को खो दिया। उन्नाव से न्यूज 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।